इससे पहले इसका फ्रंट बनाना बताया था, अब इसका आगे का काम चालू करते हैं। बैक पहले इस तरह लेंगे, इसको हम इस तरह सिलाई मार लेंगे। ये जो मार्क साइड में लगाए थे, इसके हिसाब से दोनों पल्ला में मार्क उठा लेंगे। सिलाई मारते हुए लास्ट कर देंगे। अब इसमें शोल्डर में प्रेस मारेंगे, साइड में प्रेस मार के इसका कॉलर लगाएंगे। पहले आस्तीन बना लेते हैं। एक इंच चौड़ा सिलाई मारेंगे आस्तीन। इसको अब हम प्रेस मार लिए हैं, अब क्या करेंगे, नीचे का भी पल्ला अच्छा से बैठा दिए, डबल टेप से ये सब चिपक गई है, ऊपर का पल्ला कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इसको आस्तीन लगाएंगे, आस्तीन पे भी हम प्रेस मार लिए हैं। तो सबसे पहले ये साइड का आस्तीन लगाएंगे, बाद में ये साइड का लगाएंगे। पहले हम नाप करके देख लेते हैं आस्तीन हमारा बराबर है। देखिए इतना ज़्यादा हो रहा है आस्तीन, तो हम पहले आस्तीन को कम करना पड़ेगा क्योंकि बैठेगी नहीं। थोड़ा इसको यहाँ पे नाप करके देख लेते हैं, 4.5 इंची रखें। क्या करेंगे, ज्वाइंट में ज्वाइंट मिला देंगे, क्योंकि ज्वाइंट में ज्वाइंट मिलाएंगे ना तो ये आ रही है बराबर। इसमें रिंकल अच्छा देंगे, जितना रिंकल देंगे उतना अच्छा आस्तीन हमारा बैठेगी, आर्मोल अच्छा बैठेगी। ये आस्तीन इस तरह गिरेगी, ऐसे कोट के तरह गिरेगी सेम। इसको प्रेस अब यहाँ से, अभी हम जो मार्जिन लिए थे इसके वैसे इधर क्रीच इधर जा रही है, तो क्रीच यहाँ पे तोड़ेंगे ना वो सेम कोट के तरह गिरेगी। या देखिए छोटे बच्चे का आस्तीन है, इसको चढ़ाने में भी थोड़ा तकलीफ हुआ था। अब दूसरी साइड का आस्तीन लगाएंगे, इसको ज्वाइंट में ज्वाइंट मिलाएंगे,
यहाँ से अब इसका सिर्फ कॉलर लगाना है। सेम इसका कॉलर कोट की तरह कटिंग होगा, कोट की तरह ही बनेगा। किसी और वीडियो में कॉलर लगाना दिखाऊंगा। बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल है कमेंट करके हमें बताएं।